नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 11 साल बाद बीएसएफ की वापसी। 46 दिन के कर्फ्यू के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2600 सुरक्षा कर्मियों को किया तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में किशोर दवे नाम के पत्रकार की धारदार हथियार से हत्या। बीजेपी नेता के बेटे पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बुलंदशहर में सिपाही ने पुलिस लाइन में खेली खून की होली। साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद खुद को मारी गोली। एक सिपाही की मौत, दरोगा समेत दो घायल। दिल्ली में बड़ा चिकनगुनिया और डेंगू का खतरा। दो लोगों की मौत के साथ 300 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दुष्प्रचार करने वालों को मिलेगी सजा। सोमवार को शेख हसीना कैबिनेट ने मसौदे को दी मंजूरी। मुक्ति संग्राम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीता भारत। बारिश के चलते पांचवें दिन का मैच रहा ड्रॉ, लेकिन आईसीसी रैंकिंग में पिछड़ा भारत। पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना पाकिस्तान। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।